हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, यूट्यूब ने नया फीचर निकाला है यूट्यूब हैंडल का। आज हम बात करेंगे क्या हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब हम उसका नाम या उसका जो भी उसमें है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ, हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ आप कैसे इसे कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो भाई, आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं आपको अपने फ़ोन में ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ। मेरा जो ब्राउज़र है जिसमें मैं अकाउंट लॉगिन करके रखता हूँ, वो क्रोम ब्राउज़र है। मैं क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लिया है। अब अपने अकाउंट में जाता हूँ जो कि मेरा यूट्यूब सपोर्ट का ही अकाउंट है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए थोड़ी स्पीड का इश्यू आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर यूट्यूब खोल लेता हूँ, क्योंकि अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप YouTube में ही जाना पड़ेगा। वहीं पे आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको अपने चैनल के ऊपर चले जाना है। योर चैनल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, आपको उसी पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको उसी पे क्लिक करना है दोस्तों। मैं इसको कस्टमाइज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, ये डायरेक्ट आपके YT स्टूडियो है जो उसमें खुल जाता है और वहीं पे ये आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने YT स्टूडियो में जाके भी इसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं देख सकते हो बेसिक इन्फो में गया और यहाँ पे हमें सबसे ऊपर नेम का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद हैंडल का ऑप्शन मिलता है और उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। मेरा अभी जो हैंडल है वो दीपक वो यूट्यूब सपोर्ट है SRE। तो अगर मैं खाली YouTube सपोर्ट रखूँगा तो देखो यहाँ पे रेड कलर आइकन आ गया, ये नहीं है। अगर मैं YouTube सपोर्ट रखता हूँ या इसके आगे कुछ और लगाता हूँ तो अगर ये अवेलेबल होगा हैंडल तो ये यहाँ पे शो कर देगा। ये देखो, कोई भी हैंडल मैं इसके आगे YouTube सपोर्ट 123 लगा दिया तो ये अवेलेबल है अभी, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो ये ग्रीन की जगह यहाँ पर रेड शो करेगा। अभी मैंने यूट्यूब सपोर्ट ही लगा रखा है पहले से अपना, क्योंकि मैं SRE इसलिए लगाता हूँ, ज़्यादातर जो मेरे अकाउंट हैं उनके आगे आपको SRE देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरे जहाँ सिटी है वहाँ की लोकेशन शो करता है और थोड़ा याद भी रहता है मेरे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपनी जो टैग वगैरह है वो उनमें SRE लगाता आ रहा हूँ अपने अकाउंट्स में, तो इसलिए मुझे ईजी भी लगता है दोस्तों। और यहाँ से आप उसे ऑटोमेटिक सेव कर सकते हैं। सेव करते ही आपका जो हैंडल है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और आप इसे अपना जो यूट्यूब का अकाउंट है उसका हैंडल बना सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अब आप समझ चुके होंगे कि आप अपना YouTube हैंडल कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।